दोस्तों ये है हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली, ज़्यादा माइलेज देने वाली और हाईएस्ट रीसेल वैल्यू वाली बाइक हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 का बेस मॉडल सेल्फ स्टार्ट के साथ आप देख रहे हैं। स्प्लेंडर प्लस टोटल 5 वेरिएंट में आती है। स्प्लेंडर प्लस के इस बेस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी ऑन रोड कीमत क्या है, इसके अलावा इसके सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का एक वाइजर मिलता है जिसके ऊपर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर मिल जाता है। वाइजर के दोनों साइड में आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ और फुली फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हेलोजन के। हेडलाइट यहाँ पर आपको 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है और नीचे की साइड में आपको एक मडगार्ड मिलता है जो कि ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है, जिसके दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और इसके ऊपर आपको IBS का लोगो मिल जाता है। जैसा कि इस बाइक में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, अगर आप आगे की ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ परसेंट पीछे की ब्रेक भी एक साथ काम करती है। यहाँ पर आपको मीटर की गिरारी का सेटअप और 80/118 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इसके फ्रंट में 18 इंच का सिल्वर कलर का एलॉय व्हील मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल मिलता है। नीचे आपको साइड स्टैंड की इंडिकेशन की वार्निंग मिलती है। यहाँ पर आपको फ्यूल का गेज मिल जाता है, हीरो की ब्रांडिंग, गियर की न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन, मेन हेडलाइट की वार्निंग और टर्न सिग्नल की वार्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साइड व्यू मिरर यहाँ पर आपको वही पुराने क्लासिक लुक में मिलते हैं। इसमें आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। जैसा कि ये नॉन ITS मॉडल है तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। अगर आप इसमें ITS वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको USB मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है अगर आप स्प्लेंडर प्लस का टॉप मॉडल लेते हैं तो। अब दोस्तों इसमें आपको 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है जिसको आप यहां से मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। यहां से आप इसके पेट्रोल को फिल कराने के लिए इसके कैप को यहां से आप ओपन कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको जो है सावधानी बरतने के लिए एक स्टिकर दिया जाता है। जैसा कि इस बाइक के पेट्रोल टैंक में आपको पूरा पेट्रोल टैंक कभी भी फुल नहीं कराना है जिससे कि आपके पेट्रोल टैंक में कभी भी ज़्यादा गैस ना बने। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक सिंगल यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है और टूल बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्राम वाईफाई की बैजिंग मिलती है। इसके टूल बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपनी बाइक के डॉक्यूमेंट को और इसकी टूल किट को आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंपनी फिटेड एक क्रोम फिनिशिंग का एक क्रैश गार्ड मिल जाता है। इंजन के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर के साथ। यहाँ पर इंजन ऑयल फिलिंग का कैप और सेल्फ स्टार्ट की मोटर, किक स्टार्ट का लीवर, यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिल जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर के ऊपर भी आपको एक मेटल की प्लेट मिलती है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर और स्पार्क प्लग दिया गया है। इस बाइक में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इंजन और पावर की बात करें तो 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 Fi इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर है 8.02 PS की 8000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 RPM पर। इसमें आपको 4-स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको न्यूली डिजाइन क्रोम की मेटल की प्लेट मिल जाती है जो कि इसके लुक को काफ़ी इनहेंस करती है। इसके बैटरी पैनल के ऊपर आपको स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो मिल जाता है विद ग्राफिक्स के साथ। इसके रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसको आप 5 बार आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वेट और डिमांड के हिसाब से। इसके रियर में आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 18 इंच का सिल्वर कलर का एलॉय व्हील, 130 mm की इस बाइक में आपको आगे और पीछे दोनों साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं। सीट कॉल के दोनों साइड में आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ। सीट क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो सीट क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको HF डिलक्स से काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी स्मूथ है। पीछे की साइड में आपको एक मेटल का बड़ा सा कैरियर मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ जो इस बाइक में आपको पहले भी मिलता था। टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो इसकी टेल लाइट के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के रूप में और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको हेलोजन में मिलती है स्क्वायर शेप में और यहाँ पर आपको फुली फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। मडगार्ड के नीचे की साइड में आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है
और दोस्तों यहाँ से आप इसके पीछे वाले टायर की ग्रिप को देख सकते हैं। अगर बात की जाए कि स्प्लेंडर प्लस में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर सेल होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से वाले कलर की है, तो वो यही कलर है दोस्तों जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आता है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो इसी कलर की होती है स्प्लेंडर प्लस के सभी वेरियंट में। और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और यहाँ पर आपको चैन सेट कवर मिलता है जो कि मेटल में दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ग्रे कलर का मिलता है। इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको एक साइड स्टैंड वार्निंग का एक सेंसर मिल जाता है। इस बाइक में आपको चार गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है। इसकी जो चारों गियर हैं वो पीछे की तरफ डलते हैं। इंजन के ऊपर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और इंजन के हेड के कॉर्नर के नीचे की साइड में एक सेंसर दिया गया है। इस बाइक के माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको लोकल में कम से कम 65 किलोमीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है। अगर आप इस बाइक को हाईवे में चलाते हैं सिंगल सवारी पर, तो इस बाइक से आप लगभग 70 से 75 किलोमीटर तक का आसानी से माइलेज निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, तो इस बाइक के पेट्रोल टैंक में आपको कम से कम 2 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो हीरो स्प्लेंडर प्लस के सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट की एक्सोरूम कीमत है 67,575 रुपीज़ और इसकी ऑन रोड कीमत है 80,200 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको हीरो सुपर स्प्लेंडर की कीमत भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर का डिस्क वेरिएंट और इसकी ऑन रोड कीमत है 92,000 रुपये। अगर आप सुपर स्प्लेंडर का ड्रम ब्रेक वेरिएंट आप लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ब्लैक कलर के साथ, और इसकी ऑन रोड कीमत है 87,200 रुपये। अब दोस्तों बात करें हीरो की स्प्लेंडर प्लस अगर आप i3s वेरिएंट लेते हैं, टॉप मॉडल लेते हैं, तो इसकी ऑन रोड कीमत है 80,900 रुपये। अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस का ऑल ब्लैक एडिशन लेते हैं, कैनवास एडिशन इसको बोलते हैं, तो ये बाइक आपको 81,500 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस का गोल्ड एडिशन लेते हैं गोल्ड कलर के साथ, तो ये बाइक आपको 82,600 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। अगर आप स्प्लेंडर प्लस का 100 मिलियन एडिशन लेते हैं जो कि रेड कलर में आती है, वो आपको 83,600 रुपये की ऑन रोड मिल जाएगी। सो ये ऑन रोड प्राइस की जानकारी मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स ऑटो मोबाइल्स राय मथुरा की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जाननी है, तो आप अपनी सिटी का नाम और बाइक का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा।